दोस्तों, क्या इंडिया में खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है मोबाइल फोन का? जैसे कि आपको एंड्रॉइड देखने को मिलता है गूगल की तरफ से, एप्पल का iOS देखने को मिलता है, वैसे क्या इंडिया में खुद का एक मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पॉसिबल है? वेल, ऐसी कुछ खबरें यहां से आ रही है। ये देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहां पे अप्रोच कर रही है काफी सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज वगैरह को, और चाहती है जैसे एंड्रॉइड और iOS देखने को मिलता है वैसे ही खुद का इंडिया का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो क्या चीजें यहां पे पॉसिबल हो सकती है, क्या टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और पता लगाते हैं पीछे की पूरी कहानी यहां पे क्या चल रही है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, बात किया तो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाने का जो कांसेप्ट है ये देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी काफी सारी कंपनीज भी अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ट्राई कर चुकी है। अगर हम कोर रीजन देखें क्यों एंड्रॉइड iOS ही मार्केट में और क्यों बाकी सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज थी वो फ्लॉप हो गई, तो एक वन ऑफ द कोर रीजन यहां सामने आता है और वो होता है यहां पे लैक ऑफ ऐप इकोसिस्टम का। यानी कि मार्केट में आपने कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, जिसकी बात करें नोकिया के फोन में एक जमाने में सिम्बियन OS आता था, ब्लैकबेरी में एक जमाने में आपको देखने को मिलता था ब्लैकबेरी OS, ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खुद विंडोज का मोबाइल वर्जन, विंडोज का फोन वर्जन बनाती थी, सैमसंग वालों ने टाइजन OS, बाटा OS नाम से फोन निकाले। लेकिन क्या हुआ यार, ये मार्केट में से सब धीरे धीरे यहां पे गायब होते चले गए। अब इसके पीछे एक रीजन ये था क्योंकि आज के समय में मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात यह उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंदर एप्स को अवेलेबल करवाना, और यहां पे थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग खुद ही देखिए कि एक मोबाइल फोन के अंदर अगर एप्स का सपोर्ट अगर अच्छे तरीके से अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको उस फोन को यहां पे कौन लेगा। Huawei का एक काफी अच्छा एग्जांपल है। Huawei के ऊपर जब बैन लगा था Huawei और ऑनर के फोन के अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिला था, उनका खुद का ऐप गैलरी आपको देखने को मिलता था। और यही बात है ऐप गैलरी में लिमिटेशंस थी एप्स की, और अब खुद देखते हो इंडिया में एक तरह से मार्केट से गायब सा हो चुका है Huawei और Honor। यही एक रीजन है कि एप्स का वो अच्छा सपोर्ट यहां लेकर नहीं आ पाए। यही सेम रीजन था कि ब्लैकबेरी नहीं चला, सिम्बियन OS नहीं चला, विंडोज फोन भी यहां पे नहीं चला, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्स का नहीं। अब कोई भी यूजर क्यों कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाएगा जब वहां पे उसे अच्छा ऐप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और डेवलपर भी जो है वो क्यों खुद दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्स बनाएगा जब वहां पे यूजर ना हो। तो ये बिल्कुल चिकन और एग वाली प्रॉब्लम है। यानी कहते हैं ना कि पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया, या पहले ऐप्स आई या फिर पहले यूजर्स आए, यही एक बात रहती है, और दोनों चीजें यहां पे पैरेलली काम करती हैं। और देखा जाए तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फेल होने के इंडिविजुअल रीजन थे, कुछ मैच्योर नहीं थे, कुछ की डिवाइस लिमिटेड थी, किसी की फंक्शनलिटी लिमिटेड थी, कुछ इतने ओपन नहीं थे, कुछ डेवलपर्स को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, किसी के लिए एप्स बनाना कठिन था। लेकिन वन ऑफ द कोर रीजन ये कि अच्छा एप्स का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। और आज के समय जो मोनोपोली बन गई है, तो कोई भी जो नया डेवलपर जो एप्स वगैरह बनाता है वो हमेशा एंड्रॉइड और iOS को ध्यान में रख के बनाता है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि अब मार्केट में कभी भी तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं है। वेल, यहाँ पे देखा जाए तो पिछले कुछ समय में यहाँ पे तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिला है, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे KaiOS की। देखो, अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो OS यहाँ पे यूज होता है वो होता है एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, सेकंड पे नंबर आता है iOS का, लेकिन थर्ड पोजिशन पे KaiOS आता है। KaiOS के पीछे का रीजन ये कि अभी भी इंडिया में फीचर फोन बिक रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर फोन्स में KaiOS आता है, और खास तौर पर जो जियो का जियो फोन आता है उसके अंदर KaiOS देखने को मिलता है, जिसके अंदर एप्स वगैरह का सपोर्ट है। तो कहने का मतलब है कि जियो जैसी कंपनी ने भी खुद स्मार्टफोन वाले मार्केट के लिए OS ना डेवलप किया, उन्होंने यहाँ पे KaiOS को लिया और उसको अपने फोन के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज किया कि स्मार्टफोन के अंदर जो इतनी जंग चल रही है एंड्रॉइड और iOS की, तो उससे निकल के जो तीसरी जगह थी जो फीचर फोन मार्केट था जहाँ ना पे iOS था ना एंड्रॉइड था, उसके लिए यहाँ पे आपको KaiOS देखने को मिला, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे जाके हिट बना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जब खुद जियो वाले यहाँ पे जब उन्होंने अपना एंड्रॉइड फोन बनाया, जैसे बात करें जियो फोन नेक्स्ट की, तो उसके अंदर भी उन्होंने गूगल के एंड्रॉइड का यूज किया, जिसे उन्होंने कहा उन्होंने प्रगति OS। अब प्रगति OS देखा जाए तो एंड्रॉइड गो जो आता है ना, उसी का एक थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन या उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हम इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिले और एक लो एंड हार्डवेयर पे चले, और खुद जियो जैसी कंपनी ने भी यही चीज को यहाँ पे अडॉप्ट किया। अब आज के समय में देखो कहानी क्या चल रही है मेड इन इंडिया OS की। यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनका ये कहना है कि हम आज के समय में इंडिया में खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि डायरेक्ट
ऑल्टरनेटिव होगा iOS और एंड्रॉयड का, और इसके लिए वो खुद नहीं बना रहे, यहाँ पे वो अप्रोच कर रहे हैं जो नए स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लेके आए। अब देखा तो इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाया जा सकता है, लेकिन एप्स की यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, और हो सकता है कि शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फोर्क वर्जन निकाला जाए एंड्रॉयड का। देखो एंड्रॉयड का फोर्क वर्जन कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे हुआवे का जो हार्मनी OS आता है ना उसके अंदर भी APK का सपोर्ट मिलता है और इंटरनली भी वो AOSP वाली जो ROM रहती है उस पे चलता है। ऐसे ही बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो Fire TV OS देखने को मिलता है, जो Amazon की Fire TV स्टिक में आता है, वो भी Android बेस्ड है और उसके अंदर भी जो एप्स आती है वो Android के कंपेटेबल होती है। ऐसे ही बात की जाए तो खुद Jio का जो Jio सेट टॉप बॉक्स आता है उसके अंदर भी Android का ही फोक्ड वर्जन डाला हुआ है जो कि इंटरनली Android है, लेकिन उसके ऊपर UI स्किन वगैरह गूगल सर्विसेज ये सब नहीं है। तो हो सकता है आपको इस टाइप की कोई चीज देखने को मिल जाए जिससे एप्स वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे सॉल्व की जा सके। अगर डायरेक्टली अगर कोई भी डेवलपर अगर अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल करवा दे जो कि उसने एंड्रॉयड के लिए बनाई है तो उसको यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जो इनिशियली जो प्रॉब्लम थी एप्स की वो यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। तो ये एक छोटा सा तरीका है कि अगर इंडिया में अगर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो वो इंटरनली शायद एंड्रॉयड जैसा ही हो लेकिन ऊपर एक लेयर अलग हो, या फिर एंड्रॉयड का एक फोर्क वर्जन यहाँ पे यूज करे जिससे एंड्रॉयड की ऐप कंपेटिबिलिटी या फिर APK की जो कंपेटिबिलिटी है वो यहाँ पे डाली जा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर एक नया OS आए तो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे iOS और Android को, क्योंकि Apple वाले कभी भी अपने iPhone से iOS हटा के कोई दूसरा OS यहाँ पे नहीं डालने वाले, ना ही जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो Android छोड़ के किसी नए OS के पीछे भागेंगे क्योंकि ऑलरेडी Android से उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रातों रात यहाँ पे आपका iOS और Android यहाँ पे बैन हो जाए, ऐसी चीजें भी नहीं हो सकती है। तो वो देखने वाली बात होगी आखिर किस तरीके से चीजें डेवलप होती है। हालांकि बात किया तो इससे पहले हमने इंडिया का खुद का एक लिनक्स OS भी देखा था जो कि बॉस नाम से आया था। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे एक इंडस OS देखने को मिला था कुछ साल पहले जहां पे इंडिया में डेवलप किया गया था और उसकी खास बात ये थी कि वो रीजनल लैंग्वेज के साथ सपोर्ट था। फिर गूगल रीजनल लैंग्वेजेस का जो सपोर्ट है वो खुद नेटिवली एंड्रॉयड के अंदर ले आया और उसके बाद जो इंडस OS है वो आज के समय में इंडस ऐप बाजार इसके नाम से जाना जाता है जो कि एंड्रॉयड का जो ऐप स्टोर होता है ना वो उस तरीके की जगह है। जैसे की बात करें काफी सारे फोन्स में जो आपको स्टोर देखने को मिलता है, एप्लीकेशन स्टोर जहां से एप्स डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के अलावा, वो यहाँ पे इंडस का जो ऐप बाजार होता है उसी से ही पावर्ड है। इवन सैमसंग का जो गैलेक्सी स्टोर होता है ना वो भी इसी के थ्रू पावर्ड है। तो हाँ इस तरह की कुछ चीजें हमें देखने को मिली थी, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया और अपना जो गोल था, जो चीजें फॉलो करने का तरीका था वो यहाँ पे चेंज कर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या इतने सारे चैलेंजेस के बाद क्या इंडिया में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर पीछे की कहानी क्या हो सकती है। आप लोग बताइए क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बात नीचे कमेंट में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।